बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी एग एंड मैक्रोनी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो आपने भी इसको ज़रूर बनाना है, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बर्तन ले लेंगे और इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। इसके बाद इसमें पानी डालेंगे। 3 कप पानी हम इसमें डाल रहे हैं। अब हम चूल्हा जला देंगे और इसको पानी को बॉयल करेंगे। जब इसमें बॉईल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच और ऑयल इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच। इसके बाद हम इसमें मैक्रोनी डालेंगे 1 कप। इसको मिक्स कर लेंगे और अब हमने इसको कुक करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। ये देखें जी, मैक्रोनी जो है हमारी कुक हो चुकी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हमने छान लेना है। जब हम इसको छान लेंगे तो इस पर पानी गिराएंगे और पानी से इसको हम इस तरह से वॉश कर लेंगे थोड़ा सा। किसी बाउल में डाल देंगे इसको और साइड पर रख देंगे। एक पैन में ऑयल डाल देंगे 2 से 3 खाने का चम्मच। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे चॉप किया हुआ 1 अदद और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है, मीन इसको हमने सोते करना है। प्याज हमारा सोते हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। ये 2 अदर टमाटर लेके मैंने उनका पेस्ट बना लिया था। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें पिसी हुई 1/2 चाय का चम्मच। नमक डाल देंगे हसबे ज़रूरत और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अंडे 3 अदद और इनको मिक्स करेंगे और आँच जो हम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। ये देखें जी, अंडे जो हैं हमारे पक चुके हैं, थोड़े थोड़े से कच्चे हैं, तो हम आँच जो है वो हल्की कर देंगे इसकी। और इसमें हम मैक्रोनी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाला जो हमें मैक्रोनी के अंदर साशे मिलता है, ये डाल दें 1 चाय का चम्मच और कैचअप डाल देंगे 2 से 3 खाने का चम्मच और चिली सॉस डालेंगे हम इसमें 1 चाय का चम्मच। सोया सॉस डालेंगे इसमें 1/2 चाय का चम्मच और विनीगर डालेंगे इसमें सिरका 1/2 चाय का चम्मच। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे और इसको हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पे रख के इस तरह से। ये देखें जी, तो 1 मिनट हो चुके हैं। ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी जो है एग मैक्रोनी जो है रेडी हो चुकी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। बहुत मज़े की भी खुशबू आ रही है, आपने इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना है। जी तो हमारी मज़ेदार सी एग एंड मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। आप इसको कैचअप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही मज़े की लगती है कैचअप के साथ। जी तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।